मुसलमानों और तंजीमों के कायदीन ने मिलकर आज दारुशफा गिरोन पर 13 मार्च 6:30 बजे मलूर जो लखनऊ का एक मलून है जिसने पुराने पाक के मुतबरिक आयतों के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू हुआ इसके खिलाफ हम सब एहतजाज करते हुए उसका पुतला नजरातीश किए। इस मलून का शिया फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही तो ये मुसलमान है, क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ उस वक्त इस मलून ने जो है तो एक बड़ी रकम मंदिर के बनाने में दी, उसी वक्त हमारे शिया उलमाओं ने इसको खारिज मजहब किया। खारिज मजहब करने के बाद इसका अब हमारे फिरके मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है। इस काफिर के लिए हम रियासत की हुकूमत उत्तर प्रदेश और बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं इस मलून की दावर करदा दरख्वास्त को रिजेक्ट करें और इसको डिसमिस करें। ये हमारे मुसलमानों की इतिहाद को यह तो तोड़ने की कोशिश की। 72 फिरकों में भी एक ही कुरान है जो इतिहाद और यकजहती के साथ पढ़ा जाता है। आज पूरे दुनिया में इस मलून ने इंतजार पैदा करने की कोशिश की जिसके खिलाफ उलमाए कराम बिला मजहब व मिलत उलमाए कराम और मुख्तलिफ तंजीमें चाहे वो शिया तंजीमें हो चाहे सुन्नी तंजीमें हो और दिल में ईमान रखने वाले जो जो है ईमान के मोमिनीन वो अपना एहतजाज करके बता रहे हैं इस मलून का फिरके मुसलमानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं प्रेस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और एरिया पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी। मैं इस एहतजाज के साथ ही हामिद हुसैन जाफरी सरवर जिफ्तन रजवी साहब और दीगर मेरे नौजवान साथी हैं लबैक या हुसैन लबैक लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन।